कांग्रेस ने 7 सितंबर को कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। ये यात्रा तकरीबन 5 महीनों के बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में खत्म होगी। फिलहाल कांग्रेस पार्टी की ये पदयात्रा चर्चाओं में है, वहीं विपक्ष भी इस यात्रा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साध रहा है। अभी हाल ही में बेंगलुरु पहुंची स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर ये आरोप लगाया। आज मैं पूछना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से, आप कहते हैं आप यात्रा कर रहे हैं भारत को जोड़ने की, अरे अगर कन्याकुमारी से चले तो कम से कम इतनी निर्लज्जता तो ना दिखाते, स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद राष्ट्र संत हैं, गांधी खानदान के सदस्य नहीं। तो क्या वाकई में कन्याकुमारी में होते हुए भी राहुल गांधी स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करने नहीं पहुंचे? इस दावे की असलियत का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने जांच शुरू की। हमने देखा कि कई कांग्रेस नेताओं ने स्मृति ईरानी को झूठा बताते हुए राहुल गांधी का ये वीडियो शेयर किया, जिसमें वो कन्याकुमारी के स्वामी विवेकानंद मेमोरियल हॉल में दिख रहे हैं। ANI ने भारत जोड़ो यात्रा के पहले दिन यानी 7 सितंबर को ये ट्वीट किया। ट्वीट के मुताबिक राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के पहले स्वामी विवेकानंद मेमोरियल का दौरा किया था। कांग्रेस पार्टी ने YouTube चैनल पर इस दौरे का पूरा वीडियो अपलोड किया। ये देखने पर साफ हो जाता है कि राहुल गांधी स्वामी विवेकानंद को प्रणाम करने पहुंचे थे, लेकिन भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने स्टेज पर भारी भीड़ के सामने ये झूठा दावा किया कि राहुल गांधी ने स्वामी विवेकानंद को इसलिए प्रणाम नहीं किया क्योंकि वो गांधी परिवार से नहीं थे।